लेकिन जिस प्रकार से सुब्रत राय ने देश के 12 लाख एजेंटों के साथ, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जी। और 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ धोखा किया और इस धोखा का भंडाफोड़ हो गया 9 सितंबर 2021 में, जब उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था। उसके बाद हमारा मन टूट गया, और मन क्या टूटा ये मान के चीजिए कि सुब्रत राय की जितने भी पिछले 10 सालों और 20 सालों से जो बातें थी वो सब झूठी साबित होने लगी, और तरह तरह के धार्मिक पॉइंट अखबार में प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बता सकता कि मैं कब आपको भुगतान करूंगा। उस दिन हमारे तरफ से तो सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं रहे थे, उस दिन हमने उनको मरा मान लिया था। सुब्रत राय की मौत तो जून 2021 में हो गई थी, जब सुब्रत राय ने राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आकर, अखबारों में आकर, अपने देश के जमाकर्ताओं, निवेशकों, एजेंटों को विश्वास दिलाया था कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 तक आप सबका भुगतान सुचारू कर देंगे। लेकिन 9 सितंबर 2021 को अखबार में एक बहुत बड़ा विज्ञापन देकर और तरह तरह के धार्मिक पॉइंट अखबार में प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बता सकता कि मैं कब आपको भुगतान करूंगा। उस दिन हमारे तरफ से तो सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं रहे थे, उस दिन हमने उनको मरा मान लिया था। आप दुख की बात करें तो सुब्रत राय को पिता तुल्य माने जाता था, और कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त नहीं हुआ करता था जब हम अपने परिवार के बीच में सुब्रत राय को पिता तुल्य नहीं मानते थे, उनको सम्मान नहीं देते थे, उनको परम पूजनीय सहारा सिरी के लफ्ज से नवाजा करते थे। चाहे हम अपने परिवार में अपने माता पिता को इतना सम्मान ना देते हो, लेकिन सुब्रत राय को इतना सम्मान दिया जाता था। लेकिन जिस प्रकार से सुब्रत राय ने देश के 12 लाख एजेंटों के साथ, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जी। और 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ धोखा किया और इस धोखा का भंडाफोड़ हो गया 9 सितंबर 2021 में, जब उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था। उसके बाद हमारा मन टूट गया, और मन क्या टूटा ये मान के चीजिए कि सुब्रत राय की जितने भी पिछले 10 सालों और 20 सालों से जो बातें थी वो सब झूठी साबित होने लगी। तो ये समझिए कि देश के जो एजेंट थे, अभिकर्ता थे, जिन एजेंटों ने जमाकर्ता के दबाव में उस सुब्रत राय के वादा करने के उपरांत, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 से भुगतान करेंगे, एजेंटों के पास जो पैसा था, जो उनके पास नकदी थी या उनकी बस्ती थी, वो सब पैसा जमाकर्ताओं को दे दिया। कि ठीक है कि माननीय सारा श्री जी जब कह रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में भुगतान शुरू कर देंगे, तो वे गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक मान्यता थी कि सुब्रत राय की जो वाणी है वो एक पत्थर की लकीर हुआ करती थी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, और जमाकर्ताओं के पास जो जमा पूंजी उसके परिवार या किसी प्रकार के जरूरी कार्य करने के रखे थी इस बिहा पे कि ठीक है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में हमारा भुगतान हो जाएगा, तो हम पैसा वहां से ले लेंगे, वो पैसा भी हमने, यानी कि मैं खाली नहीं हूं, मैं भी मतलब कि 10-12-15 लाख रुपए अपनी जेब से लगा चुका हूं, मतलब कि दे चुका, जिसका आज तक ट्रांसफर भी नहीं हुआ, क्योंकि इनकी इतनी गलत नीति रही कि वो पैसा ट्रांसफर मेरे नाम भी नहीं हुआ, यानी कि मैंने पैसा जमाकर्ता को देते मेरे नाम भी नहीं हुआ। इसी तरह हजारों लाखों की तादाद है एजेंटों की। तो उस दिन तो हमने इसको सुब्रत राय को मरा मान लिया था। अभी सितंबर के महीने में एक रिपोर्ट सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से, यानी कि सहकारिता मंत्रालय की ओर से प्रकाशित की गई जी, जिसमें 72,000 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन है, उसका क्लेम पोर्टल के द्वारा सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहुंचा। और हमने जो आरटीआई मंगा के मांगी और जो जानकारी मांगी, अभी कल ही मेरे पास परसों ही आरटीआई है, उसका जवाब आया है सेंटर रजिस्ट्रार से जी। 220 2 लाख
20,340 जमाकर्ताओं को 2,20,340 जमाकर्ताओं को 200 करोड़ रुपए मात्र भुगतान किया गया है, जबकि सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी में 72,000 करोड़ रुपए का क्लेम पहुंचा। और मैं आपको बता दूं, जमाकर्ताओं ने पोर्टल पर अप्लाई किया, लगभग 1,16,00,000 लोगों ने लगभग लगभग समथिंग जी अप्लाई किया। तो सितंबर का डाटा है, उसमें जो मूल डिपोजिटर जो अपना डिमांड कर रहे हैं, मूल जो डन डिपोजिटर डिमांड कर रहे हैं वो 73,000 करोड़। जी लेकिन अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार आज वह रिपोर्ट दे तो वो 1,00,000 करोड़ की मानी जाएगी, 1,00,000 करोड़, सीधी सी बात। और रही आपने कहा मीडिएटर की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका नहीं है ये, मीडिएटर की भूमिका कहीं की, मीडिएटर की भूमिका क्या, हम सरकार से कोई सरकारी अनुदान मांग रहे हैं जी या फिर हम सहारा से वो पैसा मांग रहे हैं जो हमारा जमा ही नहीं है? अरे हम तो सहारा से अपना जमा धन मांग रहे हैं जी जिसको हमने 20 साल से जमा किया। और मीडिएटर की भूमिका की बात की है, 10,000 रुपए की बात की जा रही है माननीय मिश्रा जी द्वारा, हम सेंट्रल रजिस्ट्रार से भारत सरकार से सहकारिता मंत्रालय अनुदान नहीं मांग रहे कि आप हमें 10,000 रुपए दो। जिन जमाकर्ताओं ने अपनी बेटी की शादी के लिए अब से 10 साल या 15 साल पहले 20,000 या 30,000 रुपए जमा किया था और वो कन्वर्जन कराते कराते आज वो 5 लाख 6 लाख या 10 लाख हो गया और जी उसको अपनी बेटी की शादी करनी है 10,000 रुपए में, उसकी बेटी की शादी कैसे हो जाएगी? इस बहाने कि हाँ छोटे छोटे जमाकर्ताओं को हम भुगतान करेंगे। छोटे जमाकर्ता की परिभाषा क्या है? ये मीडिएटर की भूमिका सिर्फ इतनी भूमिका है कि सुब्रत राय और जो इनकी ठग मंडली है उसको माननीय अमित शाह जी ने बचाने का प्रयास किया। जी यहाँ अजय जी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सवाल भी मैं आपका लूंगा, दूसरा जी सवाल भी लूंगा, यहाँ मैं बता देता हूँ कि इसके बहाने 29 मार्च 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, इस आदेश में कहीं नहीं लिखा कि पूरे भारत में सुब्रत राय के खिलाफ या जो भी ठग मंडली है जितने निर्देशक है डायरेक्टर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर को निरस्त कर दी जाए, इसमें ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन सहारा प्रबंधन ने जानबूझ के प्रोपेगेंडा तैयार करते हुए दुनिया के यानी कि भारत के जितने भी थाने में सुब्रत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी उस एफआईआर को निरस्त कराने का काम किया और ये कहा कि आपका भुगतान यानी कि जमाकर्ता का भुगतान सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जहां जहां आयो अच्छे थे, जी जहां आयो अच्छे थे, पुलिस आयो अच्छे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनको उल्टा जवाब दिया कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहां लिखा है कि सुब्रत राय के खिलाफ जो मामला दर्ज है उसको निरस्त कर दी जाए। आप समझिए, आप यह समझ लीजिए, पैसा जब हम जमा अपना तो स्वयं हमने करा ही लगातार, लेकिन जो हम जमाकर्ता के पास पैसा लेने के लिए जाते थे, उनको स्कीमें प्रमोट करने के लिए जाते थे, हम उनको एक ही वाक्य बोलते थे जी कि सब सहारा इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है, देश की भारतीय क्रिकेट टीम को खिलाते हैं, इसके साथ साथ में सैकड़ों जो खेल है जी राष्ट्रीय खेल तक वो प्रायोजित करती है और यहाँ तक कि कारगिल जो शहीद हुए थे तो शहीदों की गोद लिया, यहाँ तक कि हमारे स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रामलीला मैदान में ये खुलकर कहा था कि सहारा जैसे और भी समूह होने चाहिए जो इतना पुण्य का काम करते हैं। इसी सारे बायलॉज को लेके, एक लॉजिक को लेके और एक उपलब्धता को लेके जब हम जमाकर्ता के सामने जाते थे तो जमाकर्ता को बोलते हैं कि सहारा इंडिया की 3 लाख करोड़ की संपत्ति है साहब, 1 लाख रुपए आप लगा दीजिए, 5 साल 4 महीने में हम आपको डबल देंगे। अगर कुछ होता है, ये पॉइंट नोट किया जाए, अगर कुछ होता है तो देश का कानून है, देश की संविधान है और देश की सरकार है, इनकी संपत्तियों को जब्त करके आपका एक एक रुपया पाई पाई आपको वापस कर दिया जाए। जी लेकिन आज वही सरकार, वही संविधानिक प्रक्रियाएं और वही संविधानिक दायरे हमेशा बड़े को मतलब ताकतवर एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं और उसको सपोर्ट संरक्षण देने का काम करते हैं। जमाकर्ताओं से कोई उनका मतलब नहीं, कोई उनका सरोकार नहीं, सिर्फ सिर्फ खाली एक कहूंगा
ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं। जिस प्रकार से जमाकर्ताओं को भुगतान किया गया 220 करोड़ का भुगतान किया गया 2 लाख लोगों को, इसका अनुपात आप देख लीजिए। और जिस तरह से पोर्टल को बनाया गया, पोर्टल का जो निर्माण किया गया, ये पोर्टल का निर्माण भी सहारा के टेक्निकल सॉफ्टवेयर के लोगों के साथ और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के दोनों ने मिलकर, हम कहेंगे दोनों ने मिलकर उसका निर्माण किया, और उसमें एक नहीं हजारों खामियां है, हजारों खामियां। यदि यहां तक मैं कहूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं 1 लाख 1 करोड़ लगभग 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 15 लाख जो जमाकर्ताओं ने उसका लॉग इन किया या अप्लाई किया, तो बाकी बाकी लोग कैसे अप्लाई करेंगे? पिछले 2-3 सालों से संगठन लगातार लगातार आंदोलन कर रहे थे। आप इस बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, और आपके दर्शकों की मैं निवेदन करता हूं कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे समाचारों को, जिसको चौथा स्तंभ बोला जाता है भारतीय मीडिया, उस मीडिया ने प्रकाशित नहीं किया। जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन चल रहा था, लगातार 3 दिन तक चला जी। यही मुख्य धारा की मीडिया राहुल गांधी के प्रोग्राम को तो दिखा रही है, लेकिन जिस तरफ हम हजारों की तादाद में चिल्ला रहे थे उस तरफ उनका कैमरा नहीं पहुंचा, नहीं मुंह हुआ। उस दौरान हमारे बहुत सारे लोगों ने कई टीवी चैनल के पत्रकारों को खरी खोटी चुटकी सुनाई, लेकिन उनका एक कहना था कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं सहारा में हमने काम किया, सहारा राष्ट्रीय सहारा मीडिया में खुद भूमिका में है। और मैं कहता हूं कि मीडिया, जहां तक मुझे जानकारी है कि मीडिया अथॉरिटी का एक मेंबर है, तो क्यों नहीं नहीं दिखाया? लेकिन आज अगर बात करो, सॉरी, उस टाइम पे ये सब चीजें हुई करती थी। हमारे इसी चीज के चलते कि अभी मीडिया हमारी बातों को नहीं उठाता, विपक्ष हमारी बातों को नहीं उठाता, कभी कुछ लिया आवाज में, संसद में कुछ बात रखी जाती है घोल मोल करके, इन सब से निराश होके, आपको बता दूं अजय जी, इन सब से निराश होके हमारे 4000 लोगों ने, 4000 जमाकर्ताओं एजेंटों ने सुसाइड कर लिया जी, सुसाइड कर लिया। ये लिस्ट हमारे पास है, क्या है ये सब चीजें। लेकिन आज आज सुब्रत राय की जब मौत हो जाती है, यही मीडिया, यही बुद्धिजीवी लोग और यही स्वतंत्र पत्रकार, जो अपने को कह जाता है कि हम स्वतंत्र पत्रकार है, जो सरकार के खिलाफ भी है, जी। मैं कहूं कि यही सरकार में बैठे हुए मंत्री, यही सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री तक सुब्रत राय के फेवर में और उसके परिवार के फेवर में अच्छे अच्छे ट्वीट किए, अच्छे अच्छे भावनात्मक रूप से ट्वीट किए। क्या 4000 लोगों की मौत हो गई, हमने आपको ज्ञापन दिए, हमने आपको शिकायत की, एक नहीं हजारों जी। तो आपका एक भी ट्वीट नहीं आया, इसको क्या समझे जाए, इसको क्या समझे जाए? इसको सीधा सीधा यही समझा जाए कि जो देश की 10 करोड़ 13 करोड़ जमा करता है, ये बेचारे जो सड़क पे है और जो एजेंट सड़क पे है, जिनका रोजगार छिन गया, जिनका परिवार का जो पैसा था सब चले गया, घर परिवार का बर्बाद हो गया, वे लोग इनके लिए मायने नहीं रखते, वे पूंजीपति लोग इनके लिए मायने रखते हैं, जो इनको भी देते हैं खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खाने को देते हैं, वे लोग इनके लिए मायने रखते हैं। मौत अगर 100 साल के व्यक्ति की भी होती है जी, तो वो दुखद होती है, मौत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। कई चीजें एक समाज में बात की जाती है कि अच्छा करके व्यक्ति चले जाता है तो दुनिया उसके गुणगान गाती है, और गलत करके जाता है तो उसे बददुआ जीते जी भी मिलती है और मरने के बाद ही मिलती है। तो आज हो सकता है कि आज हम उस कैटेगरी में खड़े हो, बददुआ वाली में खड़े। इसके साथ जो आपने कहा कि साजिश भी हो सकती है, देखिए देखते हम साजिश इसमें, ऐसा नहीं है नहीं देखते, क्योंकि सहारा प्रबंधन बहुत बड़ा है, सहारा प्रबंधन बहुत आगे की सोचने वाला है। हॉस्पिटल के अंदर कब भर्ती हुई है, ठीक है बीमारियां काफी समय से थी, और ये भी सामने है कि अब से 6 महीने पहले, साल भर पहले, या मतलब कि 9 महीने पहले कि इनकी वीडियो ऐसे भी है, पता नहीं वो फर्जी है या मतलब कि दूर की है या कब की है, जिसमें कई प्रोग्राम में डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक कि ये माननीय
रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी के साथ में ये नोएडा के जो हॉस्पिटल थे जहां मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी भर्ती थे, ये वहां भी उनका पता लेने के लिए गए थे, उनके साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद में अंतिम संस्कार में भी दिखाई दिए। ठीक है, बीमारी उनको थी, उनको ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ था, और ये सब चीजें जो सहारा ने बताया या जो हॉस्पिटल ने बताया, सब चीजें हुई वो उनके आधार पे है। जनज्वार, जनता की मीडिया।